हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का हिंदी लेसन नंबर 3 उपहार। तो स्टूडेंट, इस लेसन में जो आपको स्टोरी दी है उसमें आपको ये बताया गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए रुचि और लगन आवश्यक है। मीन्स जो भी आपका लक्ष्य होता है, मीन्स आपका जो एम है, जो आपका गोल है, उसे प्राप्त करने के लिए आपको रुचि होनी चाहिए। रुचि का मीनिंग क्या कि इंटरेस्ट होना चाहिए, और लगन आवश्यक है कि कोई भी चीज़ अगर हम पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट होना चाहिए। कंटिन्यूसली उस चीज़ को पाने के लिए जो भी हमें मेहनत लगती है उसे ईमानदारी से करनी चाहिए, तभी हमें वो चीज़ मिल सकती है। चाहे फिर वो कुछ भी हो सकता है, अगर आपको पढ़ाई करनी है या फिर आपको जो भी बनना है आगे जाके, आपको अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आपको साइंटिस्ट बनना है, आपको सिंगर बनना है, डांसर बनना है, तो उन चीज़ों को पाने के लिए आपको कुछ करना होगा कि आपका एक तो पहले आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस चीज़ को करने के लिए, और आप कंटिन्यूसली उस चीज़ पर फोकस करके काम करते हो तो फिर वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस लेसन में बताई गई है। तो अब हम लेसन को स्टार्ट करेंगे। एक गांव में ऋत्विक नाम का लड़का रहता था। वो बहुत गरीब था। गांव के पास पुस्तक मेला लगा था। उसने माँ से कहा, मैं भी मेला देखने जाऊँगा। उसकी माँ बोली, देखो घर में कोई बड़ा नहीं है, तुम अकेले कैसे जाओगे इतनी दूर। बेटा, मेला देखने की जिद छोड़ दो, चलो दूध पी लो। अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जा बैठा। तो देखिए, ये जो कहानी हमें बताई गई है उसमें जो लड़का है उसका नाम क्या दिया है, ऋत्विक। तो ये काफ़ी गरीब था। उसके गांव के पास एक पुस्तक मेला लगा था। पुस्तक मेला मीन्स जहाँ पे किताबें हमें पढ़ने मिल सकती है या फिर लोग बेचते हैं उन्हें, तो इस तरीके का पुस्तक मेला लगा था जहाँ पे उसे जाना था, क्योंकि उसे पसंद थी पुस्तकें पढ़ना, इसके लिए वो जाना चाहता था। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि घर पे कोई भी बड़ा नहीं है, जो इतने दूर आपको साथ अगर जाना है इतने दूर तो कोई ना कोई तो बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर हमें भी घर से बाहर जाना होता है तो हमारे मम्मी पापा या फिर हमसे कोई बड़ा होता है तो उनके साथ हम जाते हैं, अकेले कोई भेजता है क्या हमें घर के बाहर? नहीं। तो इसके लिए ऋत्विक के माँ ने भी यही कहा था कि घर में कोई बड़ा नहीं है जो तुम्हारे साथ जा सकता है, तो तुम्हारी जो जिद है मेला देखने की वो तुम छोड़ दो। लेकिन ऋत्विक की जो इच्छा थी कि उसे पुस्तक मेला देखने के लिए जाना था वो अभी पूरी नहीं हो रही थी, इसके लिए वो उदास हो गया और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। अचानक उसकी दृष्टि दूर पेड़ों के पीछे गई जहाँ बहुत तेज रोशनी थी। वह उठकर वहाँ गया। तो जब वो परेशान होकर या फिर उदास होकर उस पेड़ के नीचे बैठा था तो अचानक उसे ऐसे दिखाई दिया कि थोड़ी सी दूर पे जो एक पेड़ था उसके पीछे कोई तेज रोशनी उसे दिखाई दी। इसके लिए वो देखने के लिए चला जाता है कि वो क्या चीज़ है। वहाँ सुनहरे पंखों वाली एक परी खड़ी थी। तो वो तेज रोशनी किससे आ रही थी? जो सुनहरे पंखों वाली एक परी थी उसकी वो रोशनी थी। ऋत्विक ने हैरान होकर उस परी से पूछा, तुम कौन हो? वह बोली, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? तो देखिए, यहाँ पे ऋत्विक ने क्या किया, उस पेड़ के पास जाके देखा कि ये रोशनी किसकी है, और उसके बाद जब उसने परी को देखा तो उसने पूछा कि तुम कौन हो? तो परी जवाब देती है कि मैं एक परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर उदास होकर क्यों बैठे हो? परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो परेशान था। जो उसे चाहिए था कि उसे पुस्तक मेला देखने के लिए जाना था लेकिन वो नहीं जा पा रहा था, इसके लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ पुस्तक मेला देखना और पुस्तकें खरीदना चाहता हूँ। तो देखिए, उसका यहाँ पे मीन्स सपना क्या था या फिर कौन सी इच्छा थी उसकी, कि जो पुस्तक मेला लगा है उसे देखना भी था और यहाँ से पुस्तकें खरीदनी भी थी उसे पढ़ने के लिए। यह कहकर ऋत्विक खामोश हो गया। तब परी बोली, इसमें दुख की क्या बात है, यह समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं आई हूँ। ऐसा मैं तभी करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। तो परी ने देखिए क्या जवाब दिया ऋत्विक को, कि इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं अगर तुम्हें मेला देखने के लिए जाना है, क्योंकि ऐसे समझो कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद तब करूँगी जब तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। तो परी ने ऋत्विक को कहा था कि अगर तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे तब भी मैं तुम्हारी क्या करूँगी, हेल्प करूँगी। कौन सी परीक्षा है? अभी ऋत्विक जानना चाहता है कि अगर मेरी जो इच्छा है वो पूरी होने वाली है और उसके लिए मुझे कोई परीक्षा देनी है तो परीक्षा क्या होगी, यह क्वेश्चन पूछा जाता है परी को। परी ने कहा, बता दिया तो परीक्षा कैसी? अभी देखिए, अगर परीक्षा पहले से ही हमें पता है कि अगर आपके क्लास में कोई परीक्षा होती है उसके लिए कौन से प्रश्न आने वाले हैं, ये अगर आपको पहले से पता होगा तो फिर फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं होगा वहाँ पे क्वेश्चन अगर आपको पहले से ही पता है। परीक्षा तब होती है जब आपको नहीं पता है कि परीक्षा में क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं, तब आपकी
क्या होती है, असली में परीक्षा होती है कि आप सच में कितना पढ़ते हो या फिर स्टडी करते हो। तो इसीलिए यहाँ पे परी ने भी यही कहा है कि अगर मैंने पहले से ही तुम्हें बता दिया कि परीक्षा क्या है, तुम तो पहले से ही तैयारी करके बैठ जाओगे। इसके लिए परी उसे नहीं बताती है कि उसकी परीक्षा किस तरीके से लेने वाली है। देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा है तो एक छोटा सा लड़का आपको दिख रहा है, ये है ऋत्विक जो कि पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, और उसके ठीक सामने आपको ये दिख रही है, ये है परी जो ऋत्विक के साथ बात कर रही है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, देखिए आपको एक लाइन यहाँ पे दिया है कि ईमानदारी चरित्र निर्माण की नींव है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई भी काम हम ईमानदारी से करते हैं, पूरी ईमानदारी से अगर काम करते हैं तो हम लाइफ में ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर हमें हमारा खुद का चरित्र अच्छा बनाना है तो हमें सबसे पहले ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा कहकर ऋत्विक वहाँ से चला गया। अभी ऋत्विक को ये समझ में आया कि परी उसकी परीक्षा तो लेने वाली है लेकिन वो बताएगी नहीं कि परीक्षा कौन सी है। तो ठीक है, ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसे रास्ते में गिरी हुई एक पोटली मिली। तो वहाँ से ऋत्विक चला जाता है उस पेड़ से, और जब आगे रास्ते में चलता है तो उसे एक पोटली मिलती है। पोटली का मीनिंग ये होता है कि छोटी सी थैली जो होती है जिसमें हम पैसे या फिर कोई कीमती चीज़ रखते हैं, तो उस तरीके की छोटी पोटली उसे रास्ते पे गिरी हुई मिली। ऋत्विक को यह विश्वास हो गया कि लाल रंग की इस मखमली पोटली में कोई कीमती चीज़ होगी, क्योंकि मखमली पोटली थी, मीन्स दिखने में काफ़ी अच्छी थी, सुंदर थी। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी पोटली जो हम पैसे या फिर कीमती चीज़ रखने के लिए यूज़ करते हैं, तो ऋत्विक को यही लगा कि उसमें काफ़ी कीमती चीज़ हो सकती है। उसने उसे खोलना चाहा, फिर सोचने लगा जब ये मेरी नहीं है तो इसे खोलने का मुझे हक नहीं है। तो देखिए कितनी अच्छी सोच थी उसकी कि पहले तो उसने ये सोचा कि इसमें कीमती चीज़ होगी लेकिन उसे खोलना था, लेकिन उसने खोली क्या पोटली? नहीं, क्योंकि उसने ये सोचा कि ये पोटली मेरी नहीं है तो इसमें जो कीमती चीज़ होगी वो भी मेरी नहीं है, तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं इस पोटली को खोल के देखूँ इसमें क्या है। ऋत्विक ने पोटली नहीं खोली तभी किसी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, बेटा मेरी पोटली गिर गई है रास्ते में, क्या तुमने देखी है? तो देखिए जब ऋत्विक ने वो पोटली उठाई थी तो उसने पहले तो सोचा कि उसे खोलना चाहिए, लेकिन फिर से उसने सोचा कि ये पोटली मेरी नहीं है तो मुझे हक नहीं कि मैं इसे खोल के देखूँ। तो उतनी ही देर में उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो इंसान उसे पूछता है कि मेरी पोटली रास्ते में गिर गई है, क्या तुमने देखी है? ऋत्विक ने पूछा किस रंग की थी? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। राहगीर मीन्स जो इंसान वहाँ रास्ते से जा रहा था, तो उसने जो कहा था कि पोटली मेरी रास्ते में गिर गई है। तो ऋत्विक यहाँ पे जो है काफ़ी होशियार था, तो उसने पहले तो ये पूछा कि आपकी पोटली किस रंग की थी? तो राहगीर ने बताया कि लाल रंग की थी। और कोई पहचान बताओ कि सच में लाल रंग की पोटली उसी इंसान की थी या नहीं, ये जानने के लिए ऋत्विक ने राहगीर से और पूछा कि आप और भी कोई पहचान बताओ। उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है, राहगीर का जवाब था। तो राहगीर ने बोल दिया कि उसकी पोटली थी तो उसे पता था कि उस पर क्या बना हुआ है, तो उसने कहा कि एक परी का सुनहरा रंग में चित्र बना हुआ है। ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। तो उसे ये समझ में आ जाता है कि ये जो पोटली है उसी राहगीर की है जिसने पहचान भी बताई कि उसकी पोटली का रंग क्या था, उस पर कौन सा चित्र बना था। ऋत्विक ने वह पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। तो सुबह जल्दी उठकर वो ऋत्विक जो है उस पेड़ के पास जाता है कि मुझे यहां पे परी मिलेगी, लेकिन वहां पे कोई नहीं था। वह बैठ गया, उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला, सामने परी खड़ी थी। तो जब ऋत्विक वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे परी नहीं थी, लेकिन उसे वही बातें याद आ रही थी कि उसे लाल रंग की पोटली मिली थी जो किसी इंसान की थी और उसने वापस दे दी। और तभी अचानक से फिर से रोशनी आई जहाँ पे उसे परी खड़ी दिखाई दी। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा कैसे हो? ऋत्विक ने जवाब दिया ठीक हूँ। तभी परी ने कहा अपनी आँखें बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। तो परी ने यहाँ पे उसे ये कहा था कि मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ, अभी तुम अपने आँखें बंद कर लो। किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। अभी ऋत्विक को पता था कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि परी मुझे कोई इनाम देगी, तो इसके लिए वो पूछता है कि किस बात का? तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए, परी बोली। तो परी ने क्या जवाब दिया कि तुम उत्तीर्ण हो गए परीक्षा में, क्योंकि परी उसकी परीक्षा लेना चाहती थी। परी की बात ऋत्विक के समझ में नहीं आ रही थी, उसने आँखें बंद कर ली। परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो हैरान रह गया, यह तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी। तो देखिए यहाँ पे परी ने क्या किया, ऋत्विक को इनाम में क्या दिया था, एक छोटी सी
मखमली थैली या फिर जो पोटली थी वही दी, और यहाँ पे ऋतिक देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि सेम वैसे ही पोटली उसे रास्ते पे मिली थी जो किसी इंसान की थी, राहगीर की थी, तो उसने वापस भी कर दी थी। परी ने कहा, कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी, वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें यह इनाम दे रही हूँ। तो अभी हमें समझ में आएगा या फिर ऋतिक को समझ में आया होगा कि परी ने किस तरीके से उसकी परीक्षा ली थी, कि परी ने ये जानना चाहा था कि ऋतिक सच में ईमानदार लड़का है या नहीं है, तो इसीलिए उसने क्या किया, राहगीर बन के उसकी परीक्षा ली थी कि सच में ये वो थैली वापस करता है या नहीं करता है। परी ने ऋतिक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती, जाओ अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे परी ने ऋतिक को एक सीख सिखाई है कि जो ईमानदार इंसान होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, उसे अपने जीवन में कोई भी कमी नहीं होती, क्योंकि वो अगर ईमानदारी से काम करते हैं तो उन्हें उसका फल ज़रूर मिलता है, तो उन्हें किसी भी चीज़ की कमी कभी भी ज़रूरत उन्हें नहीं पड़ती है। तो परी ऋतिक को कहती है कि अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी, जो भी तुम चाहते हो। ऋतिक के पास शब्द नहीं थे जिनसे वो परी को धन्यवाद देता, खुशी से उसकी आंखें भर आई। तो ऋतिक काफ़ी खुश हुआ ये सारी चीज़ें सुनकर, तो उसके पास शब्द ही नहीं बचे थे कि अब वो किस तरीके से परी को धन्यवाद देता। लाल मखमली पोटली ऋतिक ने अपनी माँ को दी, उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। तो जब ऋतिक ने वो थैली जो पोटली थी वो घर पे लेके जाता है और अपनी माँ के पास देता है, लेकिन उसकी माँ को ये नहीं समझ में आया कि ऋतिक ने ये पोटली कहाँ से लाई या फिर क्यों दी है। जब माँ वो पोटली खोलने लगी तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई, उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल आई। पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई। माँ के पूछने पर ऋतिक ने सब कुछ बता दिया। तो देखिए जैसे परी ने कहा था कि पोटली लेके जाओ और तुम्हारी मन चाही इच्छा पूरी हो जाएगी, तो उसकी मन चाही इच्छा कौन सी थी कि उसे पुस्तक चाहिए थे पढ़ने के लिए, सुंदर सुंदर पुस्तक चाहिए थे जो वो क्या कर सके, पढ़ सकता है। जो पुस्तक मेला उसे देखने जाना था तो वहाँ पर भी वो क्या करने वाला था, पुस्तक देखने वाला था, पढ़ने वाला था और कुछ खरीदने वाला था। तो उस पोटली में से भी क्या निकले, यहाँ पर सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकलने लगी थी, जो कि पुस्तकों का ढेर देखकर माँ चकित रह गई कि किस तरीके से पोटली से पुस्तक बाहर आ रहे थे। तो माँ ने ऋतिक से पूछा कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो ऋतिक ने सब कुछ बता दिया कि वो पोटली उसे एक परी ने दी थी। अब ऋतिक ने मित्रों के लिए अपने बहन कृतिका की सहायता से पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय मीन्स क्या, लाइब्रेरी, जहाँ पे हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं। तो ऋतिक ने मित्रों के लिए अपनी बहन, उसकी जो बहन थी कृतिका, उसके साथ एक पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी खोली कि सब लोग वहाँ पे आके क्या कर सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं। वहाँ सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे, उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। अभी देखिए कि ऋतिक को पुस्तक मित्र क्यों कहते होंगे, क्योंकि उसे पुस्तक पसंद थे और उसने क्या किया था कि परी से देखिए वो बाकी की भी चीज़ें मांग सकता था, लेकिन उसे पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता था, इसलिए उसने क्या किया था, ईमानदारी से जो पोटली उसे मिली थी उसमें से जो पुस्तक निकले थे वो सिर्फ उसने अपने लिए ही नहीं रखे थे, वो पुस्तक उसने क्या किए थे, लोगों के लिए, जो उसके दोस्त थे या फिर पड़ोसी थे, सबके लिए उसने क्या किया था, पुस्तकालय खोला था कि कोई भी आके वहाँ पर पढ़ सकते हैं, इसीलिए सारा गाँव उसे पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा था। ऋतिक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया, उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋतिक की आँख लग गई, देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बात करने लगी, कि बाद में ऋतिक जो है अपने पुस्तकालय के लिए ही पूरा काम करने लगा था, अपना पूरा समय पुस्तकों के बीच में बिताने लगा था। और एक दिन ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ऋतिक की आँख लग जाती है और वो देखता है, क्या देखता है कि सारी पुस्तकें उससे बात करने लगी थी। उससे एक पुस्तक ने पूछा, ऋतिक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे, हमें भूल जाओगे। तो ऋतिक ने क्या जवाब दिया, नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। तो देखिए वो सपने में भी क्या कर रहा है, पुस्तकों के बारे में ही सोचते सोचते उसे नींद लग गई थी, तो सपने में भी उसे पुस्तक ही दिखने लगे थे। और उन पुस्तकों ने उन्हें पूछा था, उससे पूछा था कि अगर तुम आगे जाके बड़े इंसान बन जाते हो, बड़े आदमी बन जाते हो, तो क्या तुम पुस्तक पढ़ना छोड़ दोगे। तो ऋतिक ने जवाब क्या दिया कि नहीं नहीं, अगर मैं बड़ा इंसान बन भी जाता हूँ तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि पुस्तक क्या होते हैं, हमारे साथी होते हैं, मित्र होते हैं, जिनके कारण हम आगे बढ़ पाते हैं।
तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई जिसकी आवाज़ से ऋत्विक की नींद टूट जाती है। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वह बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा। तो देखिए स्टूडेंट, कि जिस तरीके से हम किसी चीज़ को पाने की सोच रखते हैं या फिर ईमानदारी से उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। चाहे अगर आप जो भी बनना चाहते हो लाइफ में, ईमानदारी से अगर आगे बढ़ोगे तो ज़रूर एक दिन आपकी इच्छा जो है पूरी हो जाएगी, जैसे कि इस लेसन में हमें ऋत्विक के बारे में बताया है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।